big breaking news story coming in. This is with regards to the case of Prime Minister Modi's security breach back in the year 2022. We are now learning that the SP, Gurvinder Singh Sangha, who was posted in Bhatinda, has been suspended. He's been suspended for negligence in duty. There was security breach during the Firozpur tour in January of 2022 of Prime Minister Narendra Modi's, and that time Gurvinder Singh was on the post of the SP as operation SP of operations in Firozpur. For more details, let's quickly go across to Manoj Rathi, who's joining me on the phone line. Manoj, aur jankari de sakte hain ki इनका सस्पेंशन क्यों हुआ है, इनका क्या रोल था एज फार एज द एंटायर सिक्योरिटी ब्रीच इज कंसर्न्ड? बिल्कुल, क्योंकि 5 जनवरी 2022 को जब प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर दौरे पे थे पंजाब के, और उस समय जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर चूक हुई, कई अफसरों पर उस समय भी काफी सवालिया निशान उठे थे, लेकिन अब डीजीपी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑर्डर कॉपी भी हमारे पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उस समय जो एसपी ऑपरेशन थे गुरविंदर सिंह सांगा, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि कई जिम्मेवारियां दी गई थी जिसमें गुरविंदर सिंह को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जिस वे से प्रधानमंत्री मोदी ने निकलना था वो पूरा तय था कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होंगे, कौन कौन वहां पर तैनात होगा, अचानक वहां पर किसान कैसे पहुंचे, ये सारी चीजों को लेकर बहुत ही डीपली यहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई है 2022 से लेकर अगर हम बात करें अभी तक तो काफी इसमें चीजों में इन्वेस्टिगेशन हुई है, और आज डीजीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको सस्पेंड किया गया है, और उसमें लापरवाही काफी बताई गई है रिपोर्ट के मुताबिक कि काफी चीजों में लापरवाही जो है वो देखी गई है, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और अभी तक उनको हेडक्वार्टर में जो है वो ज्वाइन करना होगा, और उसके बाद अभी जब तक वो बहाल नहीं हो जाते, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक उनकी किसी भी जगह कोई बार पोस्टिंग नहीं की जाएगी, ये साफ तौर पे उसमें ऑर्डर्स में लिखा गया है। तो कह सकते हैं कि अभी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, काफी डीपली इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फैसला डीजीपी की तरफ से लिया गया है, डीजीपी के ऑर्डर्स के बाद, और ये पूरा जो फैसला दिया गया है कि गुरविंदर सिंह सांगी जो उस समय एसपी ऑपरेशन थे, फिरोजपुर के एसपी ऑपरेशन थे, जिनको जिम्मेवारी उस रूट की दी गई थी जो रूट से प्रधानमंत्री मोदी ने निकलना था, और उसी रूट पर जिस तरह से किसानों का धरना हुआ, किसानों ने सड़क रोकी और काफी देर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रुके रहे, कुछ भी हो सकता था, कई चीजों को लेकर सिक्योरिटी जरूर ब्रीच हुई है, उस पर आज एक बड़ा फैसला पंजाब डीजीपी की तरफ से दिया गया है। जी देखा जाए मनोज, तो ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था और बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच मानी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे, और इस पूरे मामले को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीच माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी फॉर्म की थी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बिल्कुल, 2022 से लेकर जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि उस टाइम कांग्रेस के जो सीएम थे चरणजीत सिंह चन्नी थे, और उस समय जो फार्मर्स का जो काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा था, उनके अपनी डिमांड्स को लेकर भी कई जगह पंजाब में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन जो भी सिक्योरिटीज के अरेंजमेंट होते हैं पीएम मोदी के आने से पहले जो सिक्योरिटी होती है, या फिर जो रूट तय किया जाता है, पूरा रोड मैप तय किया जाता है कि किस रूट से जाना है, किस रूट को अपनाना है, ये सारी चीजों को लेकर पहले से ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के हों, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं, पूरा जो एजेंसीज होती है उनको भी पूरा तरह से जो बताना पड़ता है कि किस रूट से प्रधानमंत्री मोदी ने जाना है, जहां पर भी डेस्टिनेशन है, जहां पर भी वेन्यू है, जहां पर भी उनकी स्पीच है, उन सभी चीजों को लेकर पहले से ही एक पूरी गाइडलाइन तैयार की जाती है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था कि आखिर ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आखिर कहां पर चूक हुई कि इस तरह की चीजें सामने आई कि अचानक काफी देर प्रधानमंत्री मोदी को रोड पर ही रुकना पड़ा, उनको वापसी करनी पड़ी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुई, और बड़ी डीपली इसमें ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाई गई, कोर्ट तक ये मैटर गया, और उसके बाद अब कह सकते हैं कि ये अहम जो ऑर्डर्स हैं, कह सकते हैं अहम डिसीजन जो है डीजीपी पंजाब का सामने आया है, जिसमें एसपी ऑपरेशन गुरविंदर सिंह सांगी को इसमें जो है वो बताया गया है कि उनकी बहुत बड़ी लापरवाही रही है, और जिसके चलते
उनको सस्पेंड भी किया गया जी। मुझे ये भी याद पड़ रहा है मनोज की पिछले साल अराउंड अगस्त के टाइम पे, उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना थे, उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त डांट ही दी थी एसएसपी के लिए। उन्होंने कहा था जो फिरोजपुर के एसएसपी हैं वो काफ़ी फेल कर गए अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स थी, तब भी वो उस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाए प्राइम मिनिस्टर को, जबकि उनको 2 घंटे पहले इत्तला कर दिया गया था। Right, we seem to have lost an audio connection with Manoj Rathi over there, but he's also highlighted how this entire matter was also taken up by a committee of the Supreme Court. But a big news as far as this entire security breach matter is concerned, that the SP in Bhatinda has now been suspended and removed from his duties. This for the fact that he could not discharge his duties properly when the Prime Minister was visiting Firozpur and